अभी आपने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब निकालो चैप्टर नंबर थर्ड, एग्जेम्प्टेड इनकम। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर थर्ड। दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो ध्यान देना। चलो, याद है अपन ने एग्जेम्प्टेड इनकम जब पढ़ा था, तो व्हाट इज एग्जेम्प्टेड इनकम? इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज एग्जेम्प्टेड इनकम। व्हाट इज एग्जेम्प्टेड इनकम? इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज एग्जेम्प्टेड इनकम। डन। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। इंटरेस्ट ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, इंटरेस्ट पेएबल। किसको इंटरेस्ट मिल रहा है? नॉन रेसिडेंट, नॉट बीइंग कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी इज एग्जेम्प्ट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो बंदा किसको इंटरेस्ट पे कर रहा है? नॉन रेसिडेंट को। किसको पे कर रहा है? नॉन रेसिडेंट। इंटरेस्ट इज पेएबल बाय, कौन पे कर रहा है? इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट। किसको? नॉन रेसिडेंट को। किसको? नॉन रेसिडेंट। सच इंटरेस्ट इज पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया। मतलब मनी किसने बोरो किया होगा? इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने। इन लोगों को वो क्या दे रहे होंगे? इंटरेस्ट। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, और सच बॉन्ड कब इशू होंगे? 17/9/2018 से लेके 31/3/2019। तो जितना भी इंटरेस्ट किसको मिलेगा? नॉन रेसिडेंट को। चार्जेबल कि एग्जेम? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम। लोन किसने लिया होगा? इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट। इंटरेस्ट किसको दे रहे होंगे? नॉन रेसिडेंट। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, चार्जेबल के एग्जेम? एग्जेम। क्लियर? ये नया पॉइंट इंसर्ट हुआ है। डन। पॉइंट नंबर सेकंड क्या लिखा है? इनकम रिसीव बाय, इनकम रिसीव बाय कौन सा फंड? स्पेसिफाइड फंड। इनकम रिसीव बाय स्पेसिफाइड फंड। एनी इनकम अक्रूड और अराइजन टू और रिसीव बाय, किसको रिसीव हो रहा है? स्पेसिफाइड फंड। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 47 ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। सबसे पहले इनकम हो रही है, इनकम किसको हो रही है? स्पेसिफाइड फंड। किसको हो रही है? स्पेसिफाइड फंड। किस चीज के ट्रांसफर पे? कैपिटल असेट रेफर टू इन सेक्शन 47। किधर डिस्कस करते हैं इसको? कैपिटल गेन। कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। किधर लोकेटेड है वो? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। एंड कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांजेक्शन इज पेड और पेएबल इन कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज टू द एक्सटेंट सच इनकम अक्रूड और अराइजन और रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। क्लियर हुआ? ये इनकम चार्जेबल के एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। कैपिटल गेन पढ़ने पे पूरा क्लियर हो जाता है। बंदा स्पेसिफाइड फंड है, स्पेसिफाइड फंड को इनकम हो रही है। किस पे इनकम हो रही है? कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे। वो कैपिटल एसेट कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। वो कहाँ लोकेटेड होना चाहिए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का सेम मीनिंग, मैनेजर ये भी सेम है। स्पेसिफाइड फंड मींस फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। व्हाट इज स्पेसिफाइड फंड? कोई भी ऐसा फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पर है? इंडिया। इन फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट और अ कंपनी और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अ बॉडी कॉरपोरेट। जिसको क्या मिला है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज कैटेगरी 3 ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ऑफ विच ऑल यूनिट्स किसने होल्ड किया है? नॉन रेसिडेंट। चार्जेबल के एग्जेम? एग्जेम। लेकिन वो स्पेसिफाइड फंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। स्पॉन्सर का सेम मीनिंग रहेगा जो आपने सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ा होगा। ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से यूनिट्स मींस बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ एन इन्वेस्टर। फंड्स इंक्लूड शेयर्स और पार्टनरशिप इंटरेस्ट। क्लियर? ये
स्पेसिफाइड फंड होगा, नॉन रेसिडेंट उसमें यूनिट्स परचेज करेगा. स्पेसिफाइड फंड किसने बनाया होगा? कंपनी बना सकती है, ट्रस्ट भी बना सकती है. क्लियर? ये दो सेक्शन अच्छे से पढ़ना, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. 4C किसके लिए है? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड. 4D किसके लिए है? स्पेसिफाइड फंड. 4C किसके लिए है? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड. 4D स्पेसिफाइड फंड. आप देखो, पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम और ट्रस्ट. मान लो मैं NPS का मेंबर हूं, मैं NPS का क्या हूं? मेंबर. वहां से मैं अमाउंट विड्रॉ करूंगा तो टैक्सेबल होता है, लेकिन अभी एग्जेम्पशन भी मिल रहा है, ध्यान देना. एनी पेमेंट, मुझे पेमेंट कहां से मिल रहा है? नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, रेफर टू इन सेक्शन 80CCD टू एन SSE. क्यों मिल रहा है? मैंने किसको क्लोज कर दिया? पेंशन स्कीम. और ऑप्टिंग आउट, ऑप्टिंग आउट मतलब क्विट कर दिया, पहले अकाउंट ही बंद कर दिया, या ऑप्ट आउट. शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. कितना एग्जेम्प्ट है? 60% ऑफ टोटल अमाउंट पेएबल टू हिम, अमेंडेड फ्रॉम हाउएवर फुल अमाउंट रिसीव बाय नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ असेसी शैल बी एग्जेम्प्ट. क्लियर? पहले 40% तक एग्जेम्प्ट होता था. अब रिटायर्ड पर्सन को डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होना चाहिए, इसलिए उसको कितना एग्जेम्प्ट कर दिया? 60. पहले कितना था पिछले साल तक? 40. अभी कितना है? 60 तक एग्जेम्प्ट, बचा हुआ 40 टैक्सेबल. लेकिन अगर डेथ के टाइम पे मिला, फुल्ली एग्जेम्प्ट. क्लियर? अब देखो पॉइंट नंबर 4th, क्या लिखा है? इनकम अराइजिंग टू, किसको इनकम हो रही है? शेयर होल्डर. कब इनकम हो रही है? बायबैक ऑफ शेयर्स. बायबैक मालूम है? व्हाट इज बायबैक? जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बायबैक. मैं कंपनी में शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी का शेयर 100 रुपए का लिया था, कंपनी ने वो शेयर मेरे से 120 रुपए में वापस लिया, तो मुझे कितने का फायदा हुआ? 20. एग्जेम्प्ट. एनी इनकम अराइजिंग टू एन असेसी बींग अ शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी रेफर्ड टू इन सेक्शन 115 QA. क्लियर? मतलब कोई भी कंपनी अगर शेयर्स का क्या करती है? बायबैक, तो शेयर होल्डर के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट. शेयर होल्डर के हाथ में इनकम. लिस्टेड कंपनी अगर है तो उसको बायबैक पे क्या पे करना है? टैक्स पे करना है. डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ बायबैक कौन सा सेक्शन पढ़ना है? 115 QA. अभी जब कंपनीज असेसमेंट बताऊंगा तब. अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. जब भी ये सेक्शन पढ़ोगे तो याद रखना, यहाँ पे 102 सेक्शन और कौन सा पढ़ना है? 115 QA. अभी जब पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो सीधा फंडा क्या हो गया? अगर कभी भी कंपनी बायबैक कर रही है तो बायबैक शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट. बायबैक शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट. कंपनी को उस पर क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स. कंपनी को उस पर क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स. मतलब कोई भी कंपनी अगर बायबैक करेगी तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी करेगी कि लॉस मेकिंग? प्रॉफिट मेकिंग ही करेगी ना. मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट किसके पास जा रहा है? शेयर होल्डर. तो बायबैक पे टैक्स किसको देखना पड़ेगा? कंपनी को. क्लियर? शेयर होल्डर के हाथ में बायबैक एग्जेम्प्ट. शेयर होल्डर के हाथ में बायबैक एग्जेम्प्ट. कंपनी के हाथ में बायबैक टैक्सेबल. क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यहां भी अमेंडमेंट है. इंटरेस्ट पेएबल टू किसको मिल रहा है? इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट. यूनिट कहां लोकेटेड है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. मनी बोरो कब किया है? ऑन और आफ्टर 1/9/2019. क्लियर? कोई भी NRI से अगर कोई यूनिट है वो कहाँ पे है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. और मनी कहाँ से बोरो किया उन्होंने? नॉन रेसिडेंट से. और नॉन रेसिडेंट इंडिया में कि इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर. मनी जब बोरो किया होगा तो उनको क्या देंगे हम? इंटरेस्ट. चार्जेबल के एग्जेम्प्ट. वो इंटरेस्ट पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट. वो इंटरेस्ट पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट. क्लियर? हाँ क्लियर. कितने चेंज है अदर सोर्सेज, सॉरी एग्जेम्प्टेड इनकम में? 5. क्लियर है आपके? क्लियर. सैलरी अब भी देखा था अपन ने ब्रेक से पहले, तो सैलरी में क्या बताया था मैंने? सैलरी में कितने चेंज है? एक ही चेंज है. जब भी अपन सैलरी निकालेंगे तो सैलरी अपन कैसे निकालते थे? प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, बेसिक सैलरी. उसमें क्या ऐड करेंगे? अलाउंसेस. फिर ऐड क्या करेंगे? पर्क. फिर क्या ऐड करेंगे? रिटायरमेंट बेनिफिट. जो बनेगा दैट इज कॉल्ड
ग्रॉस सैलरी, उस ग्रॉस सैलरी में से क्या क्लेम करेंगे? डिडक्शन, कितने डिडक्शन है? 3, एंटरटेनमेंट, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स. चेंज कहाँ पे आया? स्टैंडर्ड डिडक्शन. कहाँ पे चेंज नहीं आया? एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल. स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले कितना था? 40,000, अभी कितना? तो भाई जो पुरानी बुक से पढ़ रहे होंगे फाइनेंस एक्ट 2018, तो सैलरी में हर क्वेश्चन चेंज होगा कि वही रहेगा? चेंज होगा. 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा? 50,000. बाकी सारी चीज़ें सैलरी में क्या है? सेम. डन. चलो 5 मिनट दे रहा हूँ. HP एक बार आप पेज टर्न करके देखो, फिर HP के अमेंडमेंट्स बता रहा हूँ. चलो अब कौन सा चैप्टर? HP. अब मुझे देखो, HP अपना पूरा हो गया. HP में कोई भी मेजर चेंज नहीं है. HP में कोई भी मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ 3 सेक्शंस में चेंज है. देखो कौन कौन से सेक्शन, ढूंढो पहले. नोट्स निकालते जाओ, अमेंडमेंट शीट.
ये एग्जाम तक संभाल के रखना है। चलो 23:2 मिल गया, पेज नंबर 1.13। सुबह देखो सरचार्ज के बदले दूसरा पेज खोल के बैठी थी, सामने बैठ के ना मिला बेटा 1.13। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, याद है हाउस प्रॉपर्टी में पहले एक फंडा था कि आप 2018 तक एक मकान को क्या मान सकते थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। आज क्या कर दिया, दो मकान को आप क्या मान सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहले एक, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। सबसे पहला देखो 23:2, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मिला सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, वेयर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस और अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। दो चीजें, पहला क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड काय के लिए, ओन रेसिडेंस, और दूसरा अनऑक्यूपाइड फॉर अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट प्रीवियस ईयर, इट्स एनुअल वैल्यू विल बी निल provided no other benefit is derived by the owner from such property, owner ne aur koi bhi benefit nahi liya hoga. Expression unoccupied property refers to a property which cannot be occupied by owner by reason of his employment, business or profession at a different place and he resides at such other place in a building not belonging to him. वापस समझना, ये प्रोविजन सबके लिए नहीं है, सिर्फ किस प्रॉपर्टी के लिए है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। द बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू इज अवेलेबल ओनली फॉर अप टू टू सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, फॉर आइदर वन हाउस प्रॉपर्टी और टू। मेरे पास तीन मकान है, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड, प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट? अरे पॉसिबल है ना, डिपार्टमेंट तीन में से दो को क्या मानेगा, सेल्फ। पहले कितने को मानता था, पहले मान लो दो मकान का क्वेश्चन होगा अपनी बुक्स में, तो दो में से एक को अपन क्या मानते थे, सेल्फ। अभी मेरे पास तीन मकान है, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो मैं दो को क्या मान सकता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक को क्या मानूंगा, डीम टू बी लेट आउट। द बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ अप टू टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल और HUF, और ये बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF। No deduction for municipal taxes is allowed in respect of such property oblique properties. Clear हो गया? फिर से read करो एक बार paragraph. क्लियर? अब नेक्स्ट देखो 23:4 क्या लिखा है, डीम टू बी लेट आउट वेयर मोर देन टू हाउसेज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय असेसी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23:2 शाल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ टू ऑफ सच हाउसेज विच शाल असेसी एट हिज ऑप्शन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, टू हाउसेज एट द ऑप्शन ऑफ असेसी शाल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी ऑप्शन को क्या माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। क्लियर? डन। पॉइंट नंबर थर्ड लिखो वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। नो नोशनल इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड फॉर अ पीरियड अप टू टू ईयर्स, पहले कितना था, वन ईयर। अब वन ईयर कमेंट करके कितना कर दिया, अगर मान लो कोई बिल्डर है उसके पास फ्लैट पड़े, फ्लैट दो साल तक खाली है, नथिंग विल बी चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन दो साल के बाद चार्जेबल टू टैक्स। वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर देन एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर अप टू टू ईयर्स, कब तक, अप टू टू ईयर्स, किस दिन से, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्पिटेंट
अथॉरिटी. क्लियर? जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से एक एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. दो साल किस दिन से काउंट करेंगे? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. जिस दिन से आपको क्या मिला है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट. एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी टेकन टू बी निल. क्लियर? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अफोरसेट पीरियड एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज पर अदर प्रोविजन डिस्कस्ड लेटर. अपन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे उसको. क्लियर? ये बेनिफिट सबको है क्या? सिर्फ अगर प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड. अगर प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड. ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेंडमेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेंडमेंट सेक्शन 23(5) हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर. किसको रिलीफ दिया जा रहा है? टैक्स पेयर को. दैट नोशनल रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री शैल नॉट बी चार्ज्ड अप टू 2 years. Previously it was 1 year from the end of financial year in which certificate of completion is obtained from competent authority. Relax किया गया कि और tough कर दिया गया? Relax किया गया. पहले कितने साल तक माना जाता था? 1 साल. अब 2 साल. बाकी सारी चीज़ें सेम. इंटरेस्ट भी सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट सब सेम, कोई चेंज नहीं है. डन. हाउस प्रॉपर्टी अगर है, बिल्डर है, तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होती है. परचेज सेल अगर करता है देन इट इज पीजी. दैट इज डिफरेंट. उसको मर्ज मत करो. क्लियर? कोई डाउट? राइट. डीम टू बी लेट आउट. थर्ड ईयर क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा कि दैट इज डीम टू बी लेट आउट. हाँ, पीजीबीपी. राइट. क्लियर? क्लियर? अब कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए? क्लियर? कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ आप. कैपिटल गेन चैप्टर नंबर 11. 5 मिनट दे रहा हूं पूरा. एक बार जो अमेंडमेंट शीट में दिया हुआ उसको नोट डाउन रीड आउट करो.
चलो आपका एक अमेंडमेंट है कैपिटल गेन है ना, ये चैप्टर में से आए गए हैं उतना बहुत ज़्यादा। इस चैप्टर में जो देखो सबसे पहला चेंज आया है, कई बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं कि भाई कैपिटल गेन में ऐसा है ये है, कुछ भी नहीं है ना, ईजी चैप्टर है। अब इसका सबसे पहला जो चेंज है वो नीचे लिख रहा हूँ, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना हो गया 280। अभी सिर्फ आपको क्या याद रखना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना हो गया 280। जब भी अपन इंडेक्सिंग करते थे तो पहले जब इंडेक्स करते थे तो अपन लेते थे 272, सॉरी एक मिनट, अभी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अपने को कब का देखना पड़ेगा 1920, और 1920 का इंडेक्स कितना आ गया 289। तो पहले सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते थे 280 से, अब सारे प्रॉब्लम किसके हिसाब से सॉल्व होंगे 289। पहले पिछले साल कौन सा इंडेक्स लगता था 1819, तो 1819 का इंडेक्स क्या था 280, अब 280 की जगह क्या आ जाएगा 289। क्लियर, अब ध्यान देना, सर्टेन ट्रांजेक्शन्स नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर, क्या मतलब हुआ इसका, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे जिनको क्या नहीं माना जाता था ट्रांसफर, पहले भी थे अभी भी हैं, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। एनी ट्रांसफर ऑफ कौन सा स्पेसिफाइड कैपिटल असेट बीइंग बॉन्ड और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड किसका इंडियन कंपनी या डेरिवेटिव या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितनी चीज़ें हो गई, चार। सबसे पहला क्या हो गया स्पेसिफाइड कैपिटल असेट, उसमें क्या क्या आ रहा है बॉन्ड और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दूसरा रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड कौन सी कंपनी का इंडियन कंपनी, डेरिवेटिव सच अदर सिक्योरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन ट्रांसफर कर रहा है मेड बाय नॉन रेसिडेंट, कौन ट्रांसफर कर रहा है नॉन रेसिडेंट, कहाँ से रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांजेक्शन इज पेड और पेएबल इन फॉरन करेंसी, चार्जेबल के एग्जेम्प्ट, उसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या माना जाएगा ट्रांसफर, उस पर क्या राइज हो जाएगा कैपिटल गेन। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट कर रहा है कहाँ से कर रहा है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, वो कहाँ लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, चार्जेबल के एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा क्या रहेगा एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा क्या रहेगा एग्जेम्प्ट। क्लियर, बताऊंगा आगे मिलेगा, अभी सिंपल याद रखो स्पेसिफाइड असेट्स में क्या क्या लेंगे ये बॉन्ड और GDR, सेकेंड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इंडियन कंपनी के, डेरिवेटिव और कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो किसने नोटिफाई की है सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन ट्रांसफर करेगा नॉन रेसिडेंट, कहाँ से ट्रांसफर करेगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कहाँ पे फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और कंसिडरेशन काय में आई होगी फॉरेन करेंसी, चार्जेबल के एग्जेम्प्ट। डन, क्लियर पहला, सेकेंड लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, अब कौन सा सेक्शन है कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, कौन सा सेक्शन 46A। अब ध्यान देना इससे पहले कौन सा पढ़ा था 1034A, इससे पहला कौन सा पढ़ा था 1034A, अब कौन सा पढ़ रहे हैं 46A, इसके बाद 115Q ए। याद रखना जब भी घर पे पढ़ोगे ये तीनों सेक्शन एक साथ पढ़ना, अभी पढ़ा था कौन सा 1034A पढ़ लिया अपन ने, इसके बाद अभी कौन सा पढ़ रहे हैं 46A, उसके साथ में और कौन सा पढ़ना है 115Q A। अब देखो टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, पहला केस कौन बायबैक कौन कर रहा है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरे केस में बायबैक कौन कर रहा है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी। क्लियर हो गया,
तीन चीजें, पहले केस में डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक कर रही है तो उस इनकम पे टैक्स किसको पे करना है, सब्जेक्ट टू AIT. व्हाट इज AIT? एडिशनल इनकम टैक्स. किस रेट पर? 23.96%. कंपनीज आर लायबल टू पे टैक्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 5/7/2019. कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर क्या कर रही है, बायबैक कर रही है, कोई भी कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी अगर क्या कर रही है, बायबैक, उस बायबैक पे टैक्स कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी. उस बायबैक पे टैक्स कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी. किस रेट पे कंपनी पे करेगी? 23.96%. एक काम करना, 23.296% करना. कैसे आता है वो भी बताऊंगा. क्लियर? शेयर होल्डर के लिए इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर ऑफ लिस्टेड ऑब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज आर एग्जेम्प्ट. क्लियर? शेयर होल्डर के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट. शेयर होल्डर के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट. इस पे टैक्स किसको पे करना है? कंपनी. क्लियर? अब क्या बोला है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. यहां टैक्स किसको पे करना है? शेयर होल्डर. कौन से सेक्शन में? 46A. कौन से सेक्शन में? 46A. बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ कंपनी. इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर टैक्सेबल एज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46A. अंडर सेक्शन 46A. क्लियर हुआ? अब बताओ, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन कब एग्जेम्प्ट है? जब डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स को क्या कर रही है? बायबैक. उस पर टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? कंपनी. कौन सा सेक्शन लगेगा कंपनी के लिए? 115QA. कौन सा सेक्शन लगेगा? 115QA. शेयर होल्डर के हाथ में वो इनकम एग्जेम्प्ट. क्लियर? चलो थर्ड. अब क्या दिया है? टेन बायबैक शेयर होल्डर के हाथ में. डन. अब देखो, कैपिटल गेन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. अब क्या बोला है? कैपिटल गेन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ध्यान देना, एक ही वर्ड नया आया है. Where date of agreement fixing the value of consideration and date of registration are not same. मतलब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है. क्या क्या अलग है? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है और डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग अलग है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेना है? मे बी टेकन एज डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर एंड नॉट ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. केस समझ में आया? दो डेट्स होंगी, कौन कौन सी? डेट ऑफ और दूसरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. डेट ऑफ एग्रीमेंट 1st January और डेट ऑफ रजिस्ट्री 1st February. अलग अलग है ये दोनों डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है. अब कैपिटल गेन के लिए किस वैल्यू को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानना है? किस वैल्यू को मानेंगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट. कब मानेंगे? ध्यान देना, इट शैल अप्लाई ओनली इन केस वेयर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन और पार्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन अकाउंट पेई चेक. मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट की वैल्यू कब लेंगे? जब आपने क्या ले लिया है? पेमेंट. जब आपने क्या ले लिया है? पेमेंट. पेमेंट काय से ले लिया है? वापस समझना, पेमेंट काय से ले लिया है? अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम और थ्रू बैंक अकाउंट. ये चार पहले थे, अभी नया आ गया, और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी गूगल पे. कई सारे निकल गए ना, तो ये डाल दिया उन्होंने. क्लियर? प्रेस्क्राइब ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर. बोलो क्या मतलब हुआ? अगर कैपिटल गेन के चैप्टर में दो चीजें ध्यान देना, डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग है और डेट ऑफ
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है, तो हम किस वैल्यू को लेके चलेंगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट को लेके चलेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब? जब आपने पेमेंट कब ले लिया है? डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले। और अगर आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट के बाद लिया पेमेंट, आप कौन सी वैल्यू लेंगे? रजिस्ट्री की वैल्यू। लेकिन पेमेंट काय में आना चाहिए? कैश में आना चाहिए क्या? नहीं, पेमेंट सिर्फ चार चीज़ों में आना चाहिए। फर्स्ट, अकाउंट पे ही चेक। दूसरा, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। और चौथा, उन्होंने क्या बोला है? थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्लियर हुआ? ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर अगर कैपिटल असेट का केस है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे? उसमें अपने को क्या क्या याद रखना है जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करेंगे? सबसे पहला क्या ध्यान देना है? सबसे पहला, डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग है और डेट ऑफ रजिस्ट्री अलग है। तो सॉरी, डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग है और डेट ऑफ रजिस्ट्री अलग है, कौन सी वैल्यू लेंगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट। कब डेट ऑफ एग्रीमेंट लेंगे? जब। कब डेट ऑफ एग्रीमेंट लेंगे? जब आपने पेमेंट लिया है। और पेमेंट कब लिया है? डेट ऑफ एग्रीमेंट पे या उससे पहले? काय में लिया है? अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, ECS और एनी अदर मोड एज मे बी प्रेस्क्राइब। पहले सिर्फ तीन चीज़ें लिखी थी, क्या क्या? अकाउंट पे ही चेक। वापस समझना, पहले क्या लिखा था? अकाउंट पे ही चेक। दूसरा, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट। तीसरा, ECS। ये बहुत जगह आएगा अमेंडमेंट। हाँ, अब नया क्या ऐड कर दिया? देखो क्या लिखा है, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्लियर? अमेंडमेंट समझ में आया? चेंज नहीं हुआ कुछ, सिर्फ एक नया एडिशन कर दिया, असेसी को और ईजिंग कर दिया। क्लियर? अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। डन। अमेंडमेंट ध्यान देना, पहले क्या क्या लिखा था? अकाउंट पे ही चेक, उसके बाद अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, और फिर क्या लिखा था? ECS। और अभी नया क्या आ गया? एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। अभी नया क्या आ गया? एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्लियर? चलो फोर्थ पॉइंट पे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर फोर्थ। क्या लिखा है ध्यान दो, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब कैपिटल गेन काय में अराइज हो रहा है? आपने कौन सी प्रॉपर्टी सेल की? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की। तो लॉ क्या बोलता था पहले? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करो और रेसिडेंशियली क्या कर लो? परचेज। तो इनकम टैक्स क्या देता था? एग्जेम्पशन। क्या सेल किया? रेसिडेंशियल सेल किया, और परचेज भी क्या किया? रेसिडेंशियल। तो एग्जेम्पशन मिलता था, आज भी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोविजन चेंज हो गया है। अब ये बेनिफिट किसको मिलेगा? असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल और HUF। असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल और HUF। दैट इज, एग्जेम्पशन इज नॉट अलाउड टू फर्म, कंपनी, AOP और BOI। 54 का एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और HUF, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। हाँ, सेकेंड, कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड शुड बी, क्या होना चाहिए? बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, इनकम ऑफ विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी होना चाहिए रेसिडेंशियल जिसकी इनकम किधर जाके टैक्सेबल होती है? हाउस प्रॉपर्टी में। टाइप ऑफ कैपिटल गेन सिर्फ कौन सा चलेगा? लॉन्ग टर्म। कौन सा चलेगा? लॉन्ग टर्म। फोर्थ पॉइंट पे स्टार मार्क करो।
अब आपको क्या करना है उस पैसे से? इन्वेस्टमेंट करना है उस पैसे से. क्या करना है? द असेसी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर बिफोर और टू ईयर आफ्टर डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस. परचेज भी चलेगा विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ कंस्ट्रक्टेड वन ईयर वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया. नो एग्जेम्पशन फॉर हाउस आउटसाइड इंडिया. उस पैसे से आप क्या कर सकते हो? एक मकान ले सकते हो. कितने मकान? एक. पहले भी यही था, अभी भी यही है. अब देखो नया अमेंडमेंट. एग्जेम्पशन ऑफ टू हाउसेज आर अलाउड प्रोवाइडेड कैपिटल गेन इज अप टू रुपीज 2 करोड़. अगर मेरा कैपिटल गेन कहाँ तक है? 2 CR तक, तो मैं कितने मकान ले सकता हूँ? 2, 3 CR. 3 CR, 3, 4 CR. फिर से पढ़ो, अंग्रेजी का प्रकोप मत करो. फर्दर सच ऑप्शन इज अलाउड वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ द असेसी दैट इज आफ्टरवर्ड्स बेनिफिट ऑफ ओनली वन हाउस शैल बी अलाउड. इस साल मेरा कैपिटल गेन 1,90,00,000 है, कितने मकान में ले सकता हूं? 1,90,00,000 है. वन करोड़ 90 लाख है, 2 मकान ले सकता हूं. कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है, 1 मकान ले सकता हूं. पढ़ो पैराग्राफ पूरा इन्वेस्टमेंट वाला. देखो पहले क्या था, आप कितने मकान परचेज कर सकते थे? सिर्फ एक. आज भी एक ही है, लेकिन लॉ क्या बोल रहा है कि अगर आपका कैपिटल गेन किस अमाउंट तक है? 2 CR तक है, तब आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कितने मकान ले सकते हो? 2. अब मान लो 2 करोड़ से ज़्यादा है, 1. 10 करोड़, 1. 15 करोड़, 1. अप टू रुपीज 2 CR पैसा कितने मकान में इन्वेस्ट कर सकते हैं? 2. भाई मान लो जो छोटा असेसी है जिसको कैपिटल गेन 2-1 करोड़ तक हो रहा है, उसको रिलैक्सेशन कर दिया ना कि तू 2 मकान ले ले, बाकी लोगों को कितना? 1. टैक्स टैक्सेबल हो जाएगा, इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता ना, एक ही मकान में करना पड़ेगा उसको, बच जाएगा ना. तो उसको क्या किया? एक ही मकान करके दिया है. लेकिन 2 करोड़ वाला है, टैक्स पेइंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा रहेगी? 2 करोड़ की 4 करोड़.
तो 4 करोड़ को क्या बोला कि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक ही मकान में इन्वेस्ट कर सकते हो, अप टू ₹2 crore, 2 houses, क्लियर डन। तो 54 में क्या एक चेंज आया, पहले क्या था, एक मकान ले सकते हैं, आज की डेट में कितने मकान ले सकते हैं, 2, लेकिन उसके लिए प्राइमरी कंडीशन क्या फुलफिल करना है, कैपिटल गेन कहां तक होना चाहिए, 2 crore, 2 crore के ऊपर 1, क्लियर, बाकी सब सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो कौन सा सेक्शन है, 54GB, अब कौन सा सेक्शन है, 54GB, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, इसलिए स्टार मार्क करके रखना, 54GB, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, किसको ट्रांसफर किया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, किसको मिलेगा बेनिफिट, इंडिविजुअल को भी मिलेगा, HUF, पहले भी ये था आज भी ये है, विच स्पेसिफाइड एसेट इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, ध्यान देना, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, हाउस भी चलेगा, प्लॉट ऑफ लैंड भी चलेगा, इफ ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यूरिंग April 1, 2013 एंड March 31, 2017, इफ ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन April 1, 2013 से लेकर एक मिनट रुकना, चलो वापस देखो, ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हाउस और प्लॉट ऑफ लैंड, इफ ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन 1 April 2013 एंड March 31, 2017, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल स्टार्टअप, अब पैसा आप काय में लगा रहे हो, एलिजिबल स्टार्टअप, तो डेट जो 31 मार्च 2019 थी उसको हटा के कितना कर दिया गया, 31 मार्च 2021, ये सबसे पहला चेंज, पहले क्या लिखा था यहाँ पे 19, अब 19 को कितना कर दिया 21, 19 को कितना कर दिया 21, आगे के पॉइंट्स रीड करो बता रहा हूं, हाँ मकान बेचना है, क्या बेचना है, मकान, मकान बेच के क्या बनाना है, कंपनी, कंपनी नहीं बना रहे हो तो आप क्या बनाओ, स्टार्टअप, विच असेट द टैक्स पेयर शुड एक्वायर इक्विटी शेयर्स, काय में देखो क्या लिखा है, एलिजिबल कंपनी या एलिजिबल स्टार्टअप,
मतलब सिंपल समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ है, हाउस या प्लॉट ऑफ लैंड है, उसको ट्रांसफर करना है और उस अमाउंट से क्या बनाना है, या तो एलिजिबल कंपनी या एलिजिबल स्टार्टअप। व्हाट इज टाइम लिमिट फॉर अक्वायरिंग न्यू असेट? इक्विटी शेयर्स इन एन एलिजिबल कंपनी शुड बी अक्वायर्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). ये सब कब करना है? रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद कि रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले? रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले। एलिजिबल कंपनी उस पैसे का क्या करेगी? नया असेट परचेज करेगी। क्या परचेज करेगी? न्यू असेट। हाउ मच इज एग्जेम्प्ट? इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट बाय एलिजिबल कंपनी डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू कैपिटल गेन। सब बाद में समझ में आएगा। एग्जेम्प्शन कैन नॉट एक्सीड कैपिटल गेन। फिफ्थ सिक्स पॉइंट पर स्टार मार्क करो जो चेंज है। If equity shares or new asset acquired by eligible company are sold or otherwise transferred by SSE within, कितने साल तक नहीं बेच सकते? 5 साल। तो इस 5 साल को मैं क्या बोलूँगा? लॉक इन पीरियड। न्यू असेट का लॉक इन पीरियड कितना है? 5 ईयर्स। लेकिन अगर स्टार्टअप का केस है और न्यू असेट क्या है? कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो लॉक इन पीरियड कितना है? 3 ईयर्स। क्लियर हुआ? बाकी असेट्स के लिए लॉक इन पीरियड 5 साल, कंप्यूटर के लिए लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स। कंप्यूटर के लिए लॉक इन पीरियड कितना है? 3 ईयर्स। एक और चेंज करो छोटा सा, मेरे को ध्यान नहीं रहा। विच असेट स्पेसिफाइड असेट इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, हाउस और प्लॉट ऑफ लैंड? ये डेट कट कर दो। आप सिंपल याद रखो, स्टार्टअप के लिए कितना हो गया है? 31 मार्च 2021। स्टार्टअप के लिए 31 मार्च 2021। हाँ, सिंपल है। आपने मकान बेचा, मकान बेचा तो आपको कैपिटल गेन हुआ। उस पैसे से आप क्या बना लो? एलिजिबल कंपनी चालू करो या एलिजिबल स्टार्टअप। एलिजिबल, अब पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? कंपनी के पास। कंपनी या स्टार्टअप को क्या लेना है? न्यू असेट्स। न्यू असेट्स कितने साल तक नहीं बेचना है? 5 साल। और कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के केस में 3 ईयर्स। बैंक डिपॉजिट स्कीम सेम, एलिजिबल बिजनेस सेम, कोई चेंज नहीं है। एलिजिबल स्टार्टअप सेम, कोई चेंज नहीं है। लेकिन देखो, एलिजिबल कंपनी को उन्होंने चेंज कर दिया। स्टार मार्क करो एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) बाय द एसएससी। मतलब जिस बंदे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होगी वही बंदा क्या बनाएगा? कंपनी। या पैसा कायम में इन्वेस्ट करेगा? स्टार्टअप। स्टार्टअप उस पैसे का क्या करेगा? न्यू असेट परचेज करेगा। लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? 5 साल। कंप्यूटर और कंप्यूटर लैपटॉप के केस में 3 ईयर्स। एसएससी ट्रांसफरर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हैज मोर देन 25% शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट आफ्टर सब्सक्रिप्शन। पहले 50% वोटिंग राइट होना जरूरी था, आप कितना कर दिया? 25। क्लियर हुआ? पिछले साल तक कितने परसेंट वोटिंग राइट होना चाहिए था? 50। अभी कितना? 25। और कंपनी एलिजिबल स्टार्टअप भी हो सकती है। नए असेट में क्या क्या लेना है? इट मींस क्या होना चाहिए? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। क्या होना चाहिए? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? एनी प्लांट और मशीनरी विच इज़ यूज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय एलिजिबल कंपनी। इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। क्या नहीं होना चाहिए? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा, एनी मशीनरी और प्लांट विच इज़ इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रमाइसेस, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन और एकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ गेस्ट हाउस। वो मशीनरी काय के लिए यूज़ होना चाहिए? फैक्ट्री। कहाँ पर नहीं चलेगा? रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, ऑफिस अप्लायंसेस नहीं चलेंगे। कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
नहीं चलेगा. लेकिन कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिर्फ कहाँ चलेगा? स्टार्टअप के केस में कहाँ चलेगा? स्टार्टअप. व्हीकल भी नहीं चलेगी. एनी प्लांट और मशीनरी विच इज़ अलाउड 100% डिडक्शन बाय डेप्रिसिएशन और अदरवाइज इन एनी प्रीवियस ईयर, उस पर अगर 100% डिडक्शन मिल गया तो वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है. लास्ट, एलिजिबल स्टार्टअप के लिए न्यू असेट में क्या क्या आ सकता है? कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. क्या एलिजिबल कंपनी के लिए कंप्यूटर एलिजिबल है? कंपनी के लिए कंप्यूटर एलिजिबल नहीं है. स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर एलिजिबल है. कंप्यूटर का लॉक इन पीरियड अदर देन कंप्यूटर 5 ईयर्स. क्लियर? क्लियर? चलो बस आज इतना ही. हाँ.